बघेल साहब हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छी तरह। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का कमाल करके दिखाया उसके लिए एग्जिट पोल्स शायद मध्य प्रदेश और राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी की किटी में डाल रहे थे, पर छत्तीसगढ़ को लेकर लोगों के मन में आशंका थी वो दूर हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको क्या लगता है क्या वजह रही, किसको श्रेय दिया जाए जिसकी वजह से ये जो हिंदी हार्टलैंड का एक जो बड़ा टुकड़ा है जहाँ पर 82 लोकसभा सीट्स भी आती हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गया है? एक सबसे अच्छी नई बात शुरू हुई है जिसका लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के इस बार हम लोगों ने रिकॉर्ड निकाले। मध्य प्रदेश में 4 प्रचारक था और जितना भी संभव हो पाया उतनी जगह गया और हर जगह डिमांड थी, तो लाभार्थियों की संख्या को निकलवाया और मैं इसको अंग्रेजी में हैमरिंग कहता हूं कि मार मार हथौड़े अपनी चीज को कहो। तो वो लोग जो कन्विंस करने की पावर है, मैं जिन सीटों पर गया हूं वहां मैंने केवल एक बात कही नहीं है, करवाई है कि जो लोग कन्विंस कर सकते हैं उन लोगों को आखिरी 4 दिन में लाभार्थियों की सूची देख करके और उनको हैमरिंग करो और उनको जलील नहीं करो कि तुम बाहर सोते थे आज आपके मकान है, तुम भूखे मरते थे, 5 किलो गेहूं चावल है, अंधेरे में रहते थे तो बिजली थी, ऐसे नहीं। उसको विनम्रता पूर्वक, बहुत एहसान ना करते हुए विनम्रता पूर्वक, माता बहन जी आप देखिए बाहर खपरेल में सोती थी, आज अपने पास मकान है तो मकान में शौचालय है, तो पहले लकड़ी पे खाना बनाती थी, धुआं निकलता था, तो आपके घर में फुकनी नहीं है, गैस का सिलेंडर आ गया है, कोई विधवा है तो विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, ऐसे करके तो लोगों को समझ में आया। लेकिन 19 में जब चुनाव हुए तो क्या होता है, लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में हमारे सारे MP थे लेकिन विधानसभा में बहुत बुरा, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, राजस्थान में सरकार बनी थी लेकिन MP सभी आ रहे थे एक आध सीट को छोड़ करके। अब बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी की 9 साल की योजनाओं में सांसद भी बन रहे हैं और अब उनकी उनके कहने से उनके उनकी योजनाओं की वजह से मध्य प्रदेश में भी सरकार बन गई है जो कांग्रेस की थी, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बन गई है और राजस्थान में बन गई है। दिल्ली के चुनाव के बाद दिल्ली राज जाता था, हमारे 7 MP जीतते थे लेकिन सरकार केजरीवाल की बनती थी, लेकिन ये 3 लोकसभाओं 3 राज्यों ने एक नए संकेत और दे दिए हैं कि अब लोकसभा में भी मोदी जी के कहने पे तो हम दे ही रहे थे, अब विधानसभाओं में भी उनके उनके कहने पर ही मिल रहा है, तो ये एक अच्छे संकेत है। और जहां तक इंडिया की बात है, अब उसमें से आज से ही ईंटें सरकनी शुरू हो जाएंगी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा था, लेकिन अब चूंकि 3.5-4 महीने लोकसभा के बचे हैं तो इन तीनों जगह को के प्रचार से सेमीफाइनल माना गया, इसको चावल टटोलना माना गया, जैसे हमारी बहनें चावल के 4 दाने टटोल करके अंदाज लगाती हैं कि पूरे हड़िया के चावल बने या नहीं बने, अथवा फिल्म का एक ट्रेलर होता है वो मुश्किल से 1 मिनट का होता है, उसको देख के आने वाली फिल्म चलेगी या पिटेगी ऐसा हम लोग सोचते थे। तो तीनों चीजें, चावल भी पक गए हैं मोदी जी की हड़िया के और ट्रेलर भी सुपर हिट हुआ है और सेमीफाइनल भी हम लोग जीते हैं। सर आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोक कल्याण योजनाएं हैं उनकी वजह से ये जो जीत है ये हासिल हुई, आपको लगता है कि 2024 में जो 2019 के आंकड़े थे इन आंकड़ों के बलबूते पर और इनकी वजह से, क्योंकि इनसे एक रुझान पता लगता है, एक ट्रेंड पता लगता है, 2019 से भी ज्यादा आगे होंगे? हाँ निश्चित तौर पर। देखिए एक बात और बता दें, जैसे मैं कल परसों त्रिपुरा में था, पूरे नॉर्थ ईस्ट में मिलाकर 25 सीटें जितने हमारे वैक्सीन UP में अकेले हैं। दिल्ली का रास्ता UP से होकर जाता है जहां पर 80 लोकसभाएं हैं और 2019 इतना खतरनाक चुनाव था कि मैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री था और बीच में छुड़वा करके मेरे को यहां पर लोकसभा लड़ाया गया, अपनी रीता बहुगुणा को लड़ाया गया, पचौरी जी को, वर्मा जी को, हम 4 टॉप कैबिनेट मंत्रियों को लड़ाया गया, गठबंधन से हम परेशान थे और डर गए थे, लेकिन उस गठबंधन में भी जो है 67 MP या मेरे को संख्या पूरी भी आ रही है उतने आए हैं, तो हम असली खतरे को 2019 में उत्तर प्रदेश झेल करके आया है और उसमें मोदी जी और अमित शाह जी और हमारा संगठन पूरी तरह सफल है। मायावती जी इंडिया में शामिल नहीं हुई और अब तो और भी नहीं होंगी, जैसे ही पानी का जहाज डूबता है तो सारे लोग भागने लगते हैं, कप्तान अकेला रह जाता है, ऐसी परंपरा है,
लेकिन अब कप्तान राहुल गांधी भागेंगे या नहीं भागेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जहाज के बाकी नाविक और बाकी धीरे धीरे भागेंगे। सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो सबसे पहले चूहे भागेंगे फिर दूसरे लोग भागेंगे। तो इंडिया जो स्टेप ले रहा था उसको ऐसा झटका लगा है कि अव्वल तो कुछ था ही नहीं, लेकिन 19 से 2024 में ज्यादा एमपी आएंगे। आज की तारीख स्थान समय नोट कर लो, मैं तीन राज्यों के चुनाव की वजह से नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में संख्या बढ़ के आएगी।